नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांच शहर पांच खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं पांच शहर पांच खबर की। प्रयागराज पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को लखनऊ कोर्ट में हुए संजीव जीवा हत्याकांड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा में हुई हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार और पुलिस इस घटना को लेकर चिंतित है। सरकार ने इसका बेहद गंभीरता से संज्ञान लिया है। संजीव जीवा हत्याकांड और अतीक अशरफ हत्याकांड की एसआईटी जांच कर रही है। जांच के बाद दोनों घटनाओं का सच सामने आएगा। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार और पूरी ताकत से काम करेगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने आम लोगों से भी ऐसे संदिग्धों पर नजर रखने की अपील की है। पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है, उसकी भी जांच हो रही है और यहाँ इलाहाबाद की प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी एसआईटी भी है, आयोग भी है, वह जांच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी और समाज से भी मैं अपील करता हूं कि संदिग्धों पर वह भी नज़र रखें और पुलिस को सूचना दें और समय पर इस प्रकार की मंशा रखने वालों को पकड़वाने में मदद करें। पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की शोएब रिज़वी हमारे साथ इस समय प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस प्रकार से देखा जाए संजीव जीवा की घटना के बाद तमाम तरह के सवाल विपक्ष योगी सरकार पर उठा रहा है और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि आप लोग भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखें, हम लगातार इस प्रकार के माफियाओं पर काम कर रहे हैं और प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शोएब, बिल्कुल निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम के बयान जो है काफी महत्वपूर्ण भी है। वजह इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों जो दो घटनाएं जिसने पूरे प्रदेश को एक तरह से चर्चित किया है, चाहे वो अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में जो रिमांड पर थे और उनकी हत्या हुई है और वो जो हत्या हुई थी उस पर जो हत्या करने वाले थे वो मीडिया कर्मी बन के आए थे, वही जीवा की हत्या जो हुई है, हालांकि ये दोनों क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे लेकिन जीवा की जो हत्या हुई है वो वकील के ड्रेस में आए हैं। ये इस बात के वो संकेत कर रहे हैं कि एक तरह से समाज के जो विभिन्न अंग हैं उसके रूप को रख करके इस तरह से हत्यारे आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम ने लोगों से भी अपने आसपास नजर रखने, जागरूक रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से जो इस पूरे मामले पर कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बताया कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, कचहरी परिसर और इस तरह की जगहों की भी सुरक्षा के बारे में एक तरह से फिर से समीक्षा की जा रही है, इस तरह की तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने ये जरूर कहा है चूंकि इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक दल है वो सीधा हमला कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब पुलिस की कस्टडी में पुलिस की भारी मौजूदगी में इस तरह से हत्या की जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो हत्या करने में सफल भी हो जा रहे हैं तो सवाल निश्चित तौर पर सरकार पर उठ रहे हैं और इसी वजह से इनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने भी एक तरह से कह सकते हैं कि इस बात के लिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर जताई है कि कमी को ध्यान रखा जाएगा, इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लोगों से भी अपील की है। तो ये साफ संकेत है कि जो राजनीतिक दबाव है उस पूरे जो बयान है उस पर चीजें दिख रही हैं। शोएब, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार जिस प्रकार से चाहे अतीक के साथ हो, अशरफ के साथ हो, अब संजीव जीवा के साथ जिस प्रकार से ये हुआ शूट आउट, ही कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी खड़ा कर रहा है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से कहा जाता है कि आसपास पुलिस होती है, ऐसी जगह पर शूट आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल योगी सरकार पर खड़े कर रहा है। देखिए निश्चित तौर पर योगी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं वो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर ही रही है और जब ये सरकार बनी थी तो निश्चित तौर पर इससे पहले की सरकारों पर इस तरह के बहुत गंभीर आरोप थे। यही वजह है कि ये सरकार को जन समर्थन मिला था और इसी वजह से उनसे उम्मीदें ज्यादा है। ऐसे में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से झटका दे रही है और योगी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल रही है। हालांकि योगी सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराधियों पर नकेल रखने के लिए सख्त कदम उठाए और ऐसे कदम उठाए जो इससे पहले की सरकार सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये जरूर है कि उसके बावजूद ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो फिर सवाल उठेंगे और
योगी सरकार को एक बार से फिर इस बारे में जरूर सोचना होगा कि इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जाए। जी बिल्कुल शोएब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से सटे यूपी के जिले गाजियाबाद में बीते दिनों नाबालिग जैन लड़के का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब इस मामले में नाबालिग के साथ कई लोगों की चैट सामने आई है। इनमें नाबालिग और गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की भी चैट है, जिसमें बच्चे से तरावी की नमाज पढ़ने के बारे में पूछता है। वहीं नाबालिग भी कई दिनों तक लगातार नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में पूछता है। इन चैट्स में कुछ अन्य नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि नाबालिग जैन धर्म का था और ये जिम के बहाने मस्जिद में 5 बार की नमाज को अदा करने के लिए जाता था और इसकी चैट सामने आई है। चैट में देखा जा रहा है किस प्रकार से मस्जिद के मौलाना जैन इस नाबालिग लड़के को मस्जिद में आकर नमाज के लिए बोलते थे और मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की भी चैट के सामने आई है, जिसमें वह बच्चे से तरावी की नमाज पढ़ने के लिए बारे पूछते थे। वहीं नाबालिग भी कई दिनों तक लगातार नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में पूछता है। इन चैट्स में कुछ अन्य नंबर पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये चैट सामने आने के बाद बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि बच्चों का क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा देखा जा रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि लगातार इस प्रकार से जो बातें निकल कर आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही संजीदा हो सकती हैं और लगातार प्रशासन पुलिस इस पर नज़र बनाए हुए है और जो लोग इस प्रकार से ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उन पर सख्त एक्शन जल्द लिया जाएगा। तो और हमारे साथ नदीम शाहिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से लाइव। नदीम, जिस प्रकार से देखा जाए ये चैट आने के बाद, मौलाना की चैट और बच्चे की चैट आने के बाद बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें मौलाना बच्चे को तरावी की नमाज पढ़ने की बात कहता है, साथ ही साथ उसको दुआ और बातों के जो फायदे उसके बारे में बताता है। तो क्या कुछ, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, अभी क्या कुछ अहम जानकारी इस पर निकल कर आई है? नदीम, देखिए अगर बात गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर किस तरीके से चैट का मामला सामने आया है। चैट के सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें इस मामले में कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से चल रही है। एक टीम गाजियाबाद पुलिस की तरफ से मुंबई गई हुई है, जो की जो शानवाज और पद्दो है उसको पकड़ने के लिए मुंबई गई हुई है। उसके साथ साथ आपको बता दें जो गाजियाबाद में जिस तरीके से मुस्लिम धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जैन समाज का जो लड़का था जो कि लगातार नाबालिग बच्चा था जो कि 5 बार जिन को कहकर घर से नमाज के लिए जा रहा था, तो उससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही है। चंडीगढ़, पंजाब और फरीदाबाद में भी इसके कहीं ना कहीं इनपुट मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोगों ने और धर्मांतरण करा है इन सबके माध्यम से, तो उनका भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनसे गाजियाबाद पुलिस की जो है पूछताछ चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। नदीम, बिल्कुल आपका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जैन समाज का नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र बता रहे हैं कि महज 16 या 17 साल होगी और 5 बार नमाज को अदा करने के लिए जाता था घर से जिम का बहाना करके, घर वालों का क्या कहना है और अगर बच्चे से बात हो पाई तो बच्चे का क्या कहना है, किस प्रकार से मौलाना ने उसका ब्रेन वॉश किया और धर्मांतरण का यह मुद्दा देखा जा रहा है? देखिए इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं उसके ब्रेन वॉश की, तो ब्रेन वॉश की इतिहास तक था कि मैं आपको जो इसका ब्रेन वॉश था वो बिल्कुल इस तरीके से था कि अगर उसके बच्चे को नमाज के लिए मना किया जाता था या उसे जाने के लिए मना किया जाता था तो उसका कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहा था। और एक बार उसने पुलिस को भी सूचित किया कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूं तो मुझे मेरे घर वाले रोक रहे हैं, इसका भी कड़ा विरोध उसकी तरफ से किया जा रहा था, जिससे देखा जा रहा है कि उसका ब्रेन वॉश बेहद बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं बच्चा बिल्कुल ही अपने घर से अपने समाज से बिल्कुल अलग हो गया। शुक्रिया नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में आयोजित होने वाले कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में भाग लेने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जितने चर्चे बने
उतने कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश के समय से बना हुआ है। जहां जबरन धर्मांतरण होगा वहां कार्रवाई हुई है और होगी। तो भूपेश, तो आपको रमन सरकार पर हमला बोला है, आपको गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में आयोजित एक प्रेस प्रोग्राम में कहा कि हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जितने चर्चे बने उतने कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ रमन सिंह के कार्यकाल में उतना कभी नहीं हुआ। धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश के समय से बना हुआ है। जहां जबरन धर्मांतरण होगा वहां कार्रवाई हुई है और होगी। तो जिस प्रकार से आपको बता दें लगातार ये देखा जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गर्म होता जा रहा। रमन सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। इस प्रकार से भूपेश बघेल ने सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पर कार्रवाई होती आ रही है और जो धर्मांतरण जबरन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हो भी रही है। तो धर्मांतरण पर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। साथ ही साथ उन्होंने रमन सरकार के कार्यकाल पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जितने 15 सालों में धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। तो आपको बता दें धर्मांतरण को लेकर काफी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे भूपेश बघेल और पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जितने चर्चे बने उतने कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश के समय से बना हुआ है। और हमारे साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस प्रकार से देखा जाए भूपेश बघेल ने कहा कि जितना धर्मांतरण रमन सरकार के कार्यकाल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ और काफी धर्मांतरण पर सख्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जबरन धर्मांतरण पर कार्रवाई हुई है और होती रहेगी। गिरिराज सिंह मंत्री आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री है जो, और उन्होंने बस्तर में के अपने दौरे के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण ज्यादा हो रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम धर्मांतरण पे कानून लाएंगे यहाँ पर, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भिलाई दौरे के दौरान हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे जो अभी हो रहे हैं उससे हमारी सरकार सख्त है और कहीं कहीं ऐसी बातें आई हैं तो हम उससे सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि रमन सिंह के सरकार के समय में धर्मांतरण ज्यादा हुए हैं, चर्च भी ज्यादा बने हैं। ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कहा थी। मनोज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से किस तरह से पलटवार किया गया है? जी, अभी बीजेपी की तरफ से अभी इससे कोई प्रतिक्रिया फिलहाल अभी नहीं आई हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बातें सामने आती हैं तो हमारी सरकार पूरी तरह से उसपे तत्काल कार्रवाई करती है और कुछ मामले आए हुए हैं जिस पर सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से किया गया है। जी मनोज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाला है 2-3 महीने के बाद, और अगर देखा जाए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोग जगह जगह मतलब इलेक्शन को लेकर, चाहे हर पार्टी के लोग हैं, जनता के बीच में जाते हैं और लोग लुभावन वादे भी करते हैं। तो जिस प्रकार से आज भूपेश बघेल ने धर्मांतरण पर बयान दिया है उस पर छत्तीसगढ़ की आवाम किस प्रकार से उसको देख रही है? जी, स्वाभाविक सी बात है, सामने छत्तीसगढ़ का चुनाव भी सामने है और जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है उससे यहाँ की जनता भी ये बात से खुश है कि मुख्यमंत्री
जो है हमारे जो है एक्टिव हैं, हर मामले में एक्टिव है। कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पे आती है तो उस पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर तत्काल कार्रवाई और एक्शन लेते हैं। शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कोरोना काल के लॉकडाउन के वक्त नियमों के पालन नहीं करने पर जिन लोगों पर साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए थे उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। शिवराज सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है, जिससे अब प्रदेश के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करने को लेकर लॉकडाउन में केस दर्ज किए गए थे वो सारे केस वापस लिए जाएंगे, साधारण केसों को वापस लेगी मध्य प्रदेश की सरकार। ये सब समझ गया, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये आप कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा किया है एक क्रांतिकारी कदम जो उठाया है, फसल के दाम जो दुगने किए हैं, ये फसल के दाम का आप देखेंगे तो सोयाबीन जो कांग्रेस सरकार में अंतिम समय में 2560 क्विंटल था वो अब बढ़कर 4600 रुपये कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री। कपास जो 4050 था वो 7020 हो गया है रुपया। मूंग जो 4600 प्रति क्विंटल थी वो 8558 रुपए कर दी गई है। दुगने वाली बात मैं आपके ध्यान में कर रहा हूँ, ये लोग अवगत होना चाहेंगे जो कहते हैं, जो कहा सो किया वाली भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार। तो आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से MSP पर दुगने रेट किए गए हैं बहुत ही खुशी की बात है, लोगों किसानों को फायदा होगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय में जो केस दर्ज किए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर वो सारे दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, साधारण मामलों को वापस लिया जाएगा केसों को। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है और लोगों में इस बयान जारी होने के बाद लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। और हमारे साथ राजेश आर्या भोपाल से लाइव जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से देखा जाए नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि लॉकडाउन के समय में जिन लोगों के केस दर्ज किए गए थे वो सारे केस साधारण केसों को वापस लिया जाएगा, लोगों में खुशी देखी जा रही है, क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं इस पूरे वक्तव्य के? सामने आया है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये फैसला लिया तो लोगों में काफी खुशी की लहर जाग गई, क्योंकि कोरोना काल में COVID-19 का लोगों ने जो उल्लंघन किया था तो उन पर मामूली धाराओं में जो है कि केस उन पर दर्ज किए गए थे कि वो अभी भी जो है कि न्यायालय के चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसे काफी लोग है जैसे हम बात करें कि मास्क नहीं लगाने का जिन लोगों ने उल्लंघन किया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उस समय परमिशन दी जा रही थी उसका उल्लंघन लोगों ने किया था, तो तमाम जो COVID-19 का प्रोटोकॉल का लोगों ने जो उल्लंघन किया था तो उनके भिन्न धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किए गए थे। और हालांकि धारा 144 भी उस समय लागू थी तो उसके तहत भी कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो जानकारी दी है कि अब इन तमाम केसों को न्यायालय से सरकार वापस लेगी और इस फैसले आने के बाद काफी लोगों में एक खुशी की लहर जो है कि देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है विपक्ष का, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ देखिए, विपक्षी का हम बात करें तो विपक्षी के भी कई लोग ऐसे हैं जिन पर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हो, क्योंकि उस समय का जो माहौल चल रहा था वो आम जनजीवन अस्त व्यस्त था और सभी लोगों को कहीं ना कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ रही थी और सख्ती से पालन इनका करवाया जा रहा था। हालांकि विपक्ष भी इस मामले को सराहनीय कदम मान रही है कि जिस तरीके से लोगों को आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहा है, तो अब उससे वो लोग मुक्त हो जाएंगे तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गॉडसे प्रेम एक बार फिर सुर्खियां बन गया है, जहां पूर्व सीएम ने अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान
महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गौडसे को देशभक्त करार दिया है। आपको बता दें, पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल गांधी उपनाम साझा करते हैं। साथ ही पार्टी के जिला मुख्यालय के में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गांधी जी को मारा वो एक अलग मुद्दा है, जहां तक मैंने गौडसे को जाना पड़ा है वह भी एक देशभक्त थे। गांधी जी के जो हत्या हुई है उससे हम सहमत नहीं हैं। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, गौडसे पे बोलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विपक्ष लगातार उन पर तमाम सवाल उठा रहा है। और गौडसे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम ने गौडसे की तारीफ की है। गौडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। और हमारे साथ ऑनलाइन पर हमारे संवाददाता अभय कैथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी गौडसे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि गौडसे की तारीफ की और पूर्व सीएम ने बताया उनको देशभक्त है। क्या कुछ अहम जानकारियां और निकल कर आ रही है विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष लगातार तमाम सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान पर दे रहा है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में सियासत को इस समय गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से पहले बीजेपी के नेता लगातार यहां पर विवादित बयान दे रहे हैं, तो उन विवादित बयानों में इस बयान को भी समझा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस तरह गोली मारी, जिसे ये कह सकते हैं कि जिसके इस प्रकरण पर देश की जनता एकमत राय अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है, उसे हत्यारे के रूप में देखने का काम यहाँ पर किया जाता है नाथूराम गौडसे, उसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक देशभक्त होने की संज्ञा से सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह गांधी जी की हत्या से सहमत नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पढ़ा है, जिस तरह उन्होंने उनकी बातें सुनी है नाथूराम गौडसे को लेकर, तो वो सच्चे देशभक्त है और उनकी देशभक्ति पर किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। ये समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान कई मायनों में बीजेपी के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहित करने वाला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे दलों के लिए ये बयान रास्ते नहीं आ पा रहा और उनकी तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, ताकि राज्य की और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा जा सके। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही जगहों पर मिशन 24 की तैयारियां बीजेपी यहाँ पर कर रही है, ताकि लोकसभा इलेक्शन बड़ी मतों से यहाँ पर जीता जा सके। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के बयानों से एक बार फिर प्रदेश के भीतर हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व का जो नारा बीजेपी देती है, उस नारे को और बुलंद यहाँ पर किया जा सके। और बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस प्रकार से राहुल गांधी या अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाकर, तो ये समझा जा सकता है कि फिर से एक बार फिर हिंदुत्व के उस नारे को लेकर बीजेपी के नेता यहाँ पर और मुखरता के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, ताकि सभी हिंदुत्ववादी, चाहे सनातन हो या हिंदुत्व हो, वो सभी एकजुट हो सके, चुनाव के दौरान उसका बीजेपी लाभ उठा सके। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका। और फिलहाल पांच शहर पांच खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।